नमस्कार दर्शकों, साहू टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत है। आज का ये वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि आप आपका मोबाइल का स्क्रीन लैपटॉप में कैसे मिररिंग करेंगे। इसका मीनिंग ये है कि आपका लैपटॉप में आप आपका मोबाइल स्क्रीन कैसे लाएंगे। तो उसके लिए हम दो वे में ये होता है, एक तो यूएसबी में, एक वाईफाई कनेक्ट में होता है। तो ये वीडियो में मैं डिटेल्स में आपको बताया हूँ, चलिए देखते हैं। पहले आपका मोबाइल में आप प्ले स्टोर में जाइए, यहाँ पे आप मोबीजेन ये टाइप कीजिए, तो यहाँ पे एक आ जाता है मोबीजेन मिररिंग फॉर सैमसंग। इसको आप पहले इंस्टॉल कर दीजिए। मैं ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका हूँ, तो मैं इसको ओपन करता हूँ। तो फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे तो एप्लीकेशन ऐसे कुछ ओपन होगा। तो उसके बाद यहाँ पे स्टार्ट कर दीजिए। तो यहाँ पे कोई भी आपका जीमेल हुआ या फेसबुक से इसको लॉगिन करना पड़ेगा, तो मैं एक जीमेल में इसको लॉगिन कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप एक पासवर्ड क्रिएट कर दीजिए। तो यहाँ पे एक पासवर्ड में क्रिएट कर दिया। तो यहाँ पे नेक्स्ट, तो यहाँ पे स्टार्ट मूवी चल। तो मोबाइल में आपका यहाँ तक स्क्रीन आना चाहिए। उसके बाद आपको पीसी में mobizen.com में जाना है। तो अभी हम लैपटॉप स्क्रीन में आते हैं। लैपटॉप स्क्रीन आने से पहले हमको अभी इसका कनेक्शन यूएसबी में करना पड़ेगा। मैं पहले आपको यूएसबी में कनेक्ट करके दिखाऊंगा, उसके बाद मैं वाईफाई में कनेक्ट करके दिखाऊंगा। तो फर्स्ट स्टेप यूएसबी में हम कनेक्ट करेंगे। तो मैं अभी यूएसबी में कनेक्ट करता हूँ, उसके बाद लैपटॉप में आता हूँ। अभी मैं लैपटॉप में इंटरनेट ब्राउजर में आ गया हूँ। तो यहाँ पे गूगल में मोबीजेन टाइप कर लीजिए। तो यहाँ पे मोबीजेन में टाइप कर लिया, तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन आता है वहाँ पे क्लिक कीजिए। तो जो भी आप यूज़र नेम और पासवर्ड आपका लैपटॉप में आप दिए थे, सेम यूज़र नेम और पासवर्ड यहाँ पे आपको देना पड़ेगा। आप चाहे तो फेसबुक में भी, पहले जो मोबाइल में हम लोग जो रजिस्टर किए थे फेसबुक में कर सकते हैं, नहीं तो कोई भी जीमेल आईडी वगैरह आप दे सकते हैं इसमें। तो यहाँ पे मैं ये दे दिया अभी यूजर नेम और पासवर्ड ईमेल का। तो अभी ये कनेक्ट हो गया, तो स्क्रीन में ये आ रहा है कनेक्टिंग डिवाइस। तो यहाँ पे कनेक्टेड आ गया है। तो यहाँ पे मोबाइल स्क्रीन में भी देख सकते हैं ये कनेक्टेड हो गया है। तो यहाँ पे डिसकनेक्ट का ऑप्शन आ रहा है। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सेम स्क्रीन आ गया है। तो यहाँ पे मैं मोबाइल का जो रिकॉर्डिंग है साइड में दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पे हम लोग मोबाइल से अगर आप कुछ ऑपरेट करते हैं तो ये स्क्रीन ऐसे कुछ आएगा। अगर आप चाहे तो मोबाइल को भी साइड में रख के आप यहाँ से भी माउस में कुछ भी ऑपरेट कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एक दिखाता हूँ, अभी एक गेम है ये। तो यहाँ पे जो ऑप्शन देता है फुल स्क्रीन, तो ये फुल स्क्रीन में आप यहाँ से आपका लैपटॉप में माउस के थ्रू में आप कोई भी मूवमेंट वगैरह इसमें कर सकते हैं। जैसे देखिए अभी मैं फोन को हाथ नहीं लगा रहा हूँ, माउस में जो भी कुछ कर रहा हूँ माउस में कर रहा हूँ। तो टोटल आपका फोन को आप यहाँ पे बड़ा स्क्रीन में ऑपरेट कर सकते हैं। और उसके साथ भी आपका यहाँ पे भी बहुत सारे ऑप्शन आपको मिलता है। देखिए यहाँ पे मैं माउस से ये सब मूवमेंट कर रहा हूँ यहाँ पे। और ये थोड़ा सा स्लो हो सकता है, कुछ मिली सेकेंड स्लो हो सकता है आपका फोन और ये पीसी में। और यहाँ पे मैं बैक कर दिया। और यहाँ पे आप मोबाइल में जो भी आपका मूवी वगैरह है उसको बड़ा स्क्रीन में आप यहाँ से देख सकते हैं। और यहाँ पे ये ऐसे ही स्क्रीन टाइप का रहेगा। और यहाँ पे आप कॉल वगैरह है आपका, वीडियो, और यहाँ पे फाइल मैनेजर वगैरह भी है। तो यहाँ पे देखिए मोबाइल का स्क्रीन टर्न ऑफ हो गया, तो यहाँ पे मैसेज आ गया। तो यहाँ से तो
यहाँ पे जो बटन है, यहाँ पे ये आपका फाइल मैनेजर के अंदर आ गया है ये। तो यहाँ पे प्ले, यहाँ पे एक बार क्लिक करके आप यहाँ पे भी आपका बटन वगैरह भी अनलॉक कर सकते हैं फोन को। तो ये डिपेंड करता है आपका लैपटॉप और आपका मोबाइल में कितना लोड है उसके ऊपर, थोड़ा बहुत ये स्लो भी हो जाता है। तो इस जरिया में आप आपका फोन का मिररिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए मोबीजन फॉर सैमसंग यहाँ पे लिख दिया है कि ये यूएसबी में कनेक्टेड है, फायरफॉक्स इज नाउ कनेक्टेड विथ यूएसबी। तो यहाँ पे मैं डिसकनेक्ट कर देता हूँ। तो अभी आपको मैं वाईफाई में कनेक्ट करके ये दिखाता हूँ। तो अभी मैं यूएसबी वायर निकाल देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए अभी मैं मेरा लैपटॉप और मेरा पीसी दोनों एक ही नेटवर्क में है। तो मैं यहाँ पे जो भी यूजर नेम में लॉगिन किया था फोन में, सेम यूजर नेम में यहाँ पे लॉगिन करता हूँ और सेम पासवर्ड यहाँ पे डाल देता हूँ। तो यहाँ पे मैं कनेक्ट करता हूँ। तो देखिए दोनों डिवाइस यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे कनेक्टिंग आ रहा है। तो अगर वाईफाई में आपको कनेक्ट करना है तो दोनों आपका एक ही नेटवर्क में होना चाहिए, तब जाके ये कनेक्ट होगा। तो यहाँ पे वेरिफिकेशन कोड एक आ रहा है। तो मोबाइल में देखिए यहाँ पे जो स्टेप टू वेरिफिकेशन कोड आ रहा है वो सेम कोड मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, 866219। तो यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। तो देखिए यहाँ पे फोन में देखिए फायरफॉक्स इज नाउ कनेक्टेड थ्रू वाईफाई लिख दिया है और ये सेम पीसी में अभी कनेक्टेड आ रहा है। तो देखिए ये थोड़ा सा टाइम लेता है, अभी ये कनेक्टेड हो गया। यहाँ पे लैपटॉप स्क्रीन में भी आप देख सकते हैं फायरफॉक्स इज नाउ कनेक्टेड थ्रू वाईफाई आ गया। तो सेम फीचर इसमें भी रहता है, आप इसमें भी सब कुछ कर सकते हैं, मगर ये वायरलेसली होता है और वो वायरलाइन में होता है। तो यहाँ पे भी आप कोई भी मूवी देख सकते हैं, प्ले कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे यूट्यूब में भी कुछ ओपन करता हूँ। तो ये आपका सिस्टम का लोड के हिसाब से ये थोड़ा सा स्लो हो जाता है। इसमें भी वायरलेस में भी देखिए ये थोड़ा स्लो हो गया है। तो यहाँ पे मैं हमारा चैनल का एक वीडियो प्ले करके आपको दिखाता हूँ। जैसे ये वीडियो में प्ले करता हूँ तो यहाँ पे इसको, तो यहाँ पे आप फुल स्क्रीन कर देते हैं तो पूरा आप यहाँ पे पूरा फुल स्क्रीन में ये देख सकते हैं। तो ये स्क्रीन को यहाँ पे रोटेट भी आप कर सकते हैं। तो इस जरिया में आप आपका लैपटॉप का स्क्रीन को आपका मोबाइल में मिररिंग कर सकते हैं और ये बड़ा स्क्रीन का मजा ले सकते हैं। आज का मेरा ये वीडियो आपको कैसे लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल का होम पेज में जाइए, वहाँ पे जो सब्सक्राइब बटन है वहाँ पे क्लिक करके मेरा चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, या स्क्रीन में अभी जो मेरा चैनल का लोगो आ रहा है वहाँ पे भी क्लिक करके आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं इस तरह रोज आपके लिए नया नया वीडियो लाते रहूंगा, तब तक मेरा वीडियो देखते रहिए। साहू टेक्नो गाइड, आपका दिन शुभ हो।